अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फरहीन और आप देख रहे हैं फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बन रहा है ज़ीरा राइस, तो चलिए देखते हैं ये ज़ीरा राइस कैसे बनाया जाता है और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए। चावल को मैंने ग्लास से मेजर करके लिया है, ये 2 ग्लास के करीब चावल है और ग्राम्स में ये 500 ग्राम है और इसे मैंने आधा घंटा पहले अच्छी तरह से धोकर भिगो कर रख लिया था। नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। ज़ीरा लिया है मैंने 2 टीस्पून और कुछ साबित मसाले लिए हैं मैंने, जिसमें हैं 1 बादियान, 1 बड़ी इलायची, 4 काली मिर्च, 1 दालचीनी की स्टिक और 2 लौंग और बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। ज़ीरे को छोड़कर ये जो साबित मसाले हैं वो ऑप्शनल हैं। तो सबसे पहले हम बर्तन में 4 टेबल स्पून के करीब तेल ऐड करेंगे। तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है और फिर हम इसमें साबित मसाले ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें ज़ीरा भी ऐड कर देंगे। ज़ीरे को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, ज़ीरा जब हल्का सा भुन जाएगा तभी हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। ये जो ज़ीरा है वो भुन चुका है, तो अब हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं और चावल को भी हम इसमें 2 मिनट तक भुनेंगे। दो मिनट हो चुके हैं तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। चावल मैंने ग्लास से मेजर करके लिए थे तो मैं उसी ग्लास से इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। 2 ग्लास के करीब ये चावल है तो मैं इसमें 4 ग्लास के करीब पानी ऐड करूँगी। बाज़ चावल की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि उसमें कितने पानी की ज़रूरत है। तो पानी मैंने ऐड कर दिया है, अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और फिर हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसकी लीड बंद करेंगे और इसे 10 मिनट के लिए कुक होने देंगे और बीच में हम इसे 1 से 2 बार चेक भी कर लेंगे। दस मिनट हो चुके हैं तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसका जो पानी है वो ड्राई हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसे कुछ देर खुला रखकर पकाएंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी ड्राई हो जाए। तो देखिए अब इसका सारा पानी ड्राई हो चुका है, तो अब हम इसकी लीड बंद करेंगे और इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए दम देंगे। तो 5 मिनट बाद ये पूरी तरह से रेडी है सर्व करने के लिए। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।